তোমাকে এত মানে দীপক কৃষ্ণ হ্যালো এয়ার রোহিত দীপা আর রোহিত হ্যালো দীপাজি হ্যালো রোহিতজি গুড ইভিনিং की बनाया ऐसा जी आज मैं बनाऊंगी एक पनीर बाइट जो थोड़ा वेजेस होगा और लीफी वेजेस भी होगा उसमें और साथ में एक झटपट मैंने मिठाई कोकोनट से और पनीर और मावा से बनाऊंगी और हमारी जो असम मुस्लिम कम्युनिटी की जो एक कोरमा है ये एक्चुअली नॉन वेज में बनते हैं मैं उसी को आज वेज में बना के दिखाऊंगी ये तीन चीज मैं बना के दिखाऊंगी शर्दा जैन ने ज्वाइन करो विषय से ज्वाइन करने जाना बन तो चलिए देर ना करके मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं डेजी अहमद फ्रॉम गुवाहाटी असम आई एम ए होम शेफ एम होम मेकर पहले मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ अमूल पेज को अमूल पेज में मैं लाइव आके मुझे दिल से बहुत खुशी मिलती है थैंक्स कहना चाहती हूँ इसीलिए क्योंकि हम सभी होम शेफ को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है तो इसलिए मैं दिल से थैंक यू और यहाँ की मैं सभी होम शेफ शेफ की लाइव देख के मैं बहुत कुछ सीखी हूँ क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होते सो थैंक यू अभिषेक सर थैंक यू खुशबू मैम एंड सबको मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू इन एडवांस तो चलिए मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ हेलो रजिया जी हमारी लाइव है इसलिए कुछ चीज पहले से प्रिपरेशन करना पड़ता है ये पोटैटो है इसको मैं पार बॉइल करके थोड़ा बटर में सोटे करके और फिर अमूल की जो मीठ मीठ ये अमूल की जो मीठी दही है उसी से मैं मैरिनेट करके रखा हूँ और इसी घी में मैंने सौते किया था पोटैटो और पनीर को ये घी थोड़ा रह गया है और थोड़ा मैं देती हूँ अमूल घी का जवाब नहीं ये नॉर्मल घी है अमूल मैंने फिर एक नया घी निकाला है जिसका ब्राउन कलर होता है थोड़ा वो भी बहुत ही अच्छा लगता है ये जो मैं कोरमा बनाऊंगी ये हमारी असम मुस्लिम कम्युनिटी की है ये इंडिया की बाकी स्टेट से थोड़ा अलग है हाफ टी स्पून मैंने शुगर डाला इसमें शुगर थोड़ा कैरामलाइज हो जाए मैं इसमें जो होल गरम मसाला है उसको ऐड कर रही हूँ साथ में ये ग्रेटेड अनियन
एक मिनट के लिए भून जाए। क्या बना रही है, थोड़ा मुश्किल। नहीं नहीं सबरीना, आप सही वक्त पे आई है। हमें जो हमारे आसाम मुस्लिम कम्युनिटी की एक कोरमा बना रही हूँ। क्योंकि ज्यादातर हमारे नॉन वेज बनते हैं, आज मैं उसी को वेज ऑप्शन में बना के दिखा रही हूँ। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से पोटैटो एंड पनीर कोरमा। ये मैंने घी में गरम मसाला डाला, देन ग्रेटेड अनियन, अभी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। थोड़ा जिंजर गार्लिक और अनियन भून जाए। ये जो मैंने पार्ट बॉइल किया था पोटैटो को, फिर मैंने इसको घी में सौते किया और अमूल की मीठी दही में इसको मैरिनेट करके रखा हूँ एक घंटा पहले। बहुत ही झटपट बनते हैं। हम मुखन दिखाई दे सुन पल्लवी को इससे देखना है भर के मुखन। हेलो पल्लवी, आप हमें यहाँ स्वाद अनुसार नमक चीनी हमने पहले ही डाला था, और ट्रेडिशनली तो ये रेड चिली फ्लेक्स नहीं डालते, मैं थोड़ा पसंद करती हूँ। स्वीट दही यूज किया नहीं? हाँ जी, स्वीट दही मैंने यूज किया हूँ। मैं दूसरी डिश दिखाती हूँ। ये है पनीर, मैंने पहले से ग्रिल करके रखा हूँ। और यहाँ पे मैंने लीफी वेजेस अभी अवेलेबल है, उसी को मैंने थोड़ा सा ब्लांच कर दिया। इसमें है सारे विंटर के वेजिटेबल, मैंने बटर में गार्लिक एंड सॉल्ट एंड शुगर और थोड़ा ब्लैक पेपर और मिक्स हर्ब से थोड़ा इसे सौते करके रखा हूँ, क्योंकि अभी लाइव में सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तब तक मैं ओवन को प्री हीट करके आती हूँ। मुंबई हल्दी के कैसे गार्लिक के लिए खिचड़ी बननी दो प्लीज जी। सबको थैंक यू जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया। अभी मैं दे रही हूँ हमारी अमूल चीज, क्योंकि बच्चे चीज तो बहुत पसंद करते हैं, साथ में भेजीज भी खाएंगे चीज भी खाएंगे। यह है मिक्स हर्ब। और ये थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स। बस एक मिनट के लिए सिर्फ चीज जब तक मेल्ट हो तब तक ही मैं बेक करूंगी। इसको क्या कहते हैं मैंने इंग्लिश में नहीं
जानती हूँ, लेकिन हमारी आसामी में ये लाई पात बोलते हैं, लाई लाइक स्पिनक है, लेकिन अभी मैंने पालंग नहीं मिला तो इसी को मैंने यूज किया, बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक बार हमारी कोरमा का भी देख लेती हूँ। चलिए इसे मैं बेक करने रख देती हूँ। मैंने पोटैटो के साथ पनीर इसलिए नहीं डाला, पनीर ज़्यादा कुक होंगे तो रबड़ी हो जाएंगे, इसे भी मैं घी में सौते करके रखा था। और कुछ भी स्पाइस नहीं डालते, ये हमारी आसाम की जो कुरमा में। दो मिनट के लिए भून जाए, मैं तब तक थर्ड डिश में चलती हूँ। बहुत ही सिंपल रखा मैंने ये। प्लेट में मैं थोड़ा घी लगा लेती हूँ। ये है कोकोनट का बुरादा, ये है पनीर को मैंने सौते किया हूँ, करीब ये हाफ कप ग्रेटेड पनीर है, उसमें मैंने हाफ टी स्पून ओनली शुगर डाला था। ये है मावा, अमूल की जो खोया है उसे मैंने घी में सौते किया हूँ, ये भी मैं डाल देती हूँ। ये है एलमंड एंड वॉलनट पाउडर, सबको मिक्स करेंगे और अभी मैं यहां पे डालूंगी थोड़ा सा मिल्क। और अमूल की मिठाई में, इंडिया में ऐसा कोई स्वीट नहीं बनते जो अमूल की मिठाई में ना हो, वो तो इमेजिन भी कर नहीं सकते हम। भावना जगह से बहुत बढ़िया मीठा बनने कुकिंग। थैंक यू मीता जी, थैंक यू भावना जी। शायद और थोड़ा मिल्क मैं ऐड कर देती हूँ। नारियल में भी मिठास है, पनीर में भी मिठास था और खोया में भी मिठास था, इसलिए मैंने मिल्क में उतना हिसाब से ही डाला हूँ।
हमारी पनीर की जो बाइट है वो हो गया, मैं उसे ओवन ऑफ करके आई हूँ अभी। ये भी देखिए साइड से घी छोड़ने लगा है, तब अभी मैं इसमें काजू की जो पेस्ट है उसमें मैं डालूंगी। ये मैंने बना के रखा हूँ। और हेलो इंद्रिया जी, आज मैंने हमारे असम जो मुस्लिम कम्युनिटी की है जो एक कोरमा बनते हैं नॉन वेज से, उसी को मैंने पोटैटो एंड पनीर से बना के दिखा रही हूँ। वो कोरमा इंडिया की दूसरी स्टेट से थोड़ा अलग है, मतलब हम लोग इतना स्पाइस यूज नहीं करते, ये सफ़ेद ही रहेगा। अभी मैं मिल्क डाल रही हूँ, अमूल मिल्क। बहुत लोग पानी डालते हैं लेकिन मैं मिल्क से बनाती हूँ क्योंकि मिल्क डालने से उसका स्वाद एक अलग होता है। और ये ऊपर से थोड़ा गरम मसाला, बस सभी चीज हो गए, इसको थोड़ा कुक होने देते हैं। एक्चुअली ये जो स्वीट डिश मैंने बनाया इसको थोड़ा सेट होने के लिए टाइम लगता है, लेकिन अभी ऐसे तो टाइम नहीं होंगे। मिर्ची को ऐसा चॉप एलमंड, रोज पेटल, चलिए मेरा कोरमा भी हो गया, पनीर को भी मैं लाती हूँ। तब तक ये सिर्फ 2 मिनट के लिए, मैं 2 मिनट नहीं कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि अभी क्रिसमस है इसलिए मैंने स्टार शेप से इसे कट करूँगी। हाँ सबिना, कोई कोई खट्टी दही यूज करते हैं लेकिन मेरे घर में मीठी दही से मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। बस ये हो गया, मैं ऑफ करती हूँ और ओवन को। Yeah.
देखा हूँ। তারপর মানে কথা দিস ইজ লাইক মুগলাই আলু রিমেক কি মিতা বর্মনে কইছে মুগলাই আলু তো যে বনাই হেন কথা কইছে হ্যাঁ মিতা দি সাইড এসাই হে থোড়া সা পড়া জিয়া ভালো লাগা বলি কইছে মিতা তো ওখানে নাকি না सबिता मोहाली के नाइस पे थैंक यू सबिता जी आप आए बहुत अच्छा लगा খুব দেখা না কইছে তোমার দেখা বলবে কোনে সবিতা মালিক হ্যালো সবিতা জি ক্যা হুয়া আর সঙ্গীতে দেখা হয় কেসে ভাল লাগছে চলে আর ক্যা থা আমারে দিস মানে ভুল হ্যাঁ মিঠা তো হ্যাঁ জি সুইট দিস লাগি মানে ভুলই গেয়া देखते हैं ये काट होते कि नहीं थोड़ा इसको फ्रिज में और चलिए सब कुछ हो गया आप सब लोग आए हैं मुझे ज्वाइन किया और उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा बहुत ही सिंपल लेकिन मिठाई थोड़ा टूट गया क्योंकि फ्रिज में और 5 मिनट रहने से सेट हो जाते सो आज मैं बनाया हूँ
लीफी वेजेस के साथ एक पनीर चीजी बाइट, देन मैंने बनाया असमिस मुस्लिम कम्युनिटी की एक कोरमा, देन झटपट से एक स्वीट जो कोकोनट पाउडर और ऑलमोस्ट अमूल की सभी चीज मैंने वहां पे यूज किया, पनीर यूज किया, खोया यूज किया, मिल्क मेन यूज किया और साथ में हमारे हेल्दी वर्जन के लिए मैंने वॉलनट ऑयल आलमंड का पाउडर भी यूज किया। तो आप लोग आए, अगेन थैंक यू, सबको मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, एंड थैंक यू अमूल, थैंक यू अभिषेक सर, एंड थैंक यू खुशबू मैम। मैं अभी लाइव सेशन एंड करती हूँ। ओके बाय।